अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर स्टाइल लाई हूँ। ब्राइडल हेयर स्टाइल है ये, पार्टी पे भी आप जो है इसको बना सकते हैं। तो इन तीन पफों को यूज़ करते हुए आज मैं आपको हेयर स्टाइल बनाना बताऊँगी कि हम किस तरह से इन तीन पफ को यूज़ करते हुए अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट करके पफ जो है ना हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है ना कानों के बैक तक, ये देखिए कानों के बैक तक एक हमने सेक्शन निकाल लेना है इस तरह से, ये देखें। और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से जो है बराबर जो हमने सेक्शन निकाल लेना है और नीट कर लेने बाल। और अब हम इसमें यूज़ करेंगे पफ, ये देखें जी, ये तीन पफ हैं। ये तीन पफ आपको आराम से बाज़ार से मिल जाएंगे, एक पैकेट बना होता है तीन पफों का, ये आपको 120-130 तक आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बड़े वाला पफ यूज़ करूँगी, ये देखें बड़े वाला पफ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, ये देखें। इन पफों की सबसे बड़ी सहूलत ये है ना कि आपको इनके साथ पिन्ने वगैरह अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए आप अपने बालों पर रखें, ये आपके बालों के साथ खुद ही फिक्स हो जाता है और हिलता जुलता भी नहीं है इस तरह से, ये देखें इस तरह से आप इस बालों पे रखें और ये फिक्स हो गया। अब आप जो है ना अपने बालों को इस तरह से उठाएं, ये देखें जी इस तरह से, इस तरह से आप लोगों ने बालों को उठाना है और अच्छी तरह से नीट कर लेना है और इस तरह कंघी मार के जो है ना उसको नीट कर लेना है। और आप जो है चाहें तो वॉल्यूम और क्रिएट करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम और देना चाह रहे हैं अपने पाप को, तो बैक कॉम्बिंग कर लें इस तरह से। अगर नहीं देना चाह रहे तो आप इसी तरह भी बाल जो है ना निकाल के सेक्शन तो इस पाप के ऊपर आराम से रख सकते हैं, आपका पाप आराम से बन जाएगा। ये देखें जी इस तरह से, ये देखें पाप अपनी जगह पर फिक्स है, ज़रा भी हिलजुल नहीं रहा है। तो बहुत ही आसान है इस पाप को यूज़ करना। तो आप लोगों ने इस तरह से बालों को अच्छी तरह से नीट करना है। फिर क्या करना है, ये बालों को पफ के ऊपर आ देना, ये देखें जी पफ रेडी हो गया बैक वाला हमारा, ये देखें। इस तरह से आपने कंघी मार के जो है इसको अच्छे से नीट कर लेना है और इस पफ को बैक से आपने पिन्ने लगा के फिक्स कर लेना है इन बालों को। इसके अलावा अगर आप पार्टी हेयर स्टाइल देखना चाह रहे हैं कि पफ को यूज़ करते हुए इजी से, तो वो भी मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं। ये वाला जो है ये थोड़ा हैवी हेयर स्टाइल है, ये आप ब्राइडल पे बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अगर आप पार्टी के लिए भी समझे कि वेडिंग के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं तो तब भी आप जो है ना इसको आराम से बना सकते हैं, ये आप घर पे बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दें बहुत ही इजी है, मैं बहुत ही आराम से सिखा रही हूँ, स्लो वीडियो मैंने रखी हुई है, ज़रा भी फास्ट नहीं की ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ये देखें इस इन बालों को हमने नीट कर लेना है। अगर आपके बाल पतले हैं तो आप हल्की सी बैक कमिंग करके भी इसके अंदर तो आप रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, साइड से इस तरह से बाल लेंगे। अगर आपने टिका वगैरह फिक्स करना है तो आप जो है बालों में टिक्का वगैरह फिक्स कर लें, पहले पफ लगाने से पहले आपने टिक्का वगैरह फिक्स करना है तो फिर आप जो है ना आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से मैंने साइड मांग निकाल ली। अब क्या करूँगी, पीछे जो हमने पहले जो पफ यूज़ किया वो सबसे बड़े वाला किया, अब हम दरमियाने वाला पफ यूज़ करेंगे। ये देखें दरमियाने वाला पफ जो है अब हम लगाएँगे इसमें और हम फ्रंट से देखने कितना मज़े का हेयर स्टाइल बनाएँगे। इस तरह से आपने बाल जो ले लेने हैं, ये देखें ये पाप को हम यहाँ पे इस रखेंगे, ये देखें यहाँ पे पहले वाले पाप को हमने दरमियान में रखा था, इसको हम थोड़ा साइड पे करके रखेंगे क्योंकि हम ये साइड पाप बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, बालों को उठाएंगे और अच्छे से नीट करेंगे, ये देखें इस तरह से अच्छे से नीट करेंगे और इस पाप के ऊपर इस तरह से लाते हुए जो है हम इन बालों को देखें इस तरह से वॉल्यूम क्रिएट करें, कितना ज़बरदस्त सा फ्रंट पाप बन रहा है। ये देखें इस तरह से नीट करते जाना है अपने साथ साथ,
फिर आपने बैक से इस तरह से इसको जो आपने पहले पिन ने जहाँ पे पफ की लगाई थी उधर आपने इस तरह से रख के आपने पिन इनको पिनों से फिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये पिन लगा के फिक्स कर दिया। अब हमारे पास जो ये वाले बाल बचे हैं नीचे वाले, ऊपर वाले बालों को हमने हल्का सा लूज़ करना है ताकि अच्छे से नज़र आए। और फिर हमने ये जो बाल बचे हैं हमारे कानों तक, इनको हमने इस तरह से फिंगर से कॉम करते हुए ये देखे लाना है और इस तरह से हमने बैक पे ले जाना है। ये देखिए ये फ्रंट वाला हमारा हेयर स्टाइल कितना मज़े का बन गया। ये देखें जी, इस तरह से हमने फिंगर से कॉम करते हुए लाना है। इस तरह बालों के साथ जो हमने पहले वाले बालों के साथ रख के हमने पिनअप कर देना है इस तरह से। ठीक हो गया, अच्छे से हमने पिने लगा देनी है ताकि ये जो हमारे बाल हैं ये खुले नहीं। और इस तरह से आपने साथ साथ नीट करते जाने। इसके बाद हम साइड वाला दूसरे वाला बनाएंगे। तीसरे पफ को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे हेयर स्टाइल। जो हमारा तीसरा पफ रह गया उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखें जी, ये तीसरा पफ है। तीसरे पफ को हमने क्या करना है, इधर साइड पे लगाएंगे, यहाँ से बहुत अच्छा सा वॉल्यूम बन जाएगा। ये देखें इस तरह से हमने हल्का सा तिरछा रख के इस तरह से ये पफ फिक्स कर देना है और हमारा पफ हो जाएगा रेडी। ये देखें जी, ये देखिए तिरछा सा रखना है आप लोगों ने। तो इस तरह से कंघी मारनी है और इस तरह से आपने जो है बालों को इसके ऊपर नीट करके रख देना है। ये देखें कितने मज़े का वॉल्यूम क्रिएट हो गया, कितने मज़े का। आप इस तरह हल्का सा लूज़ करें तो बहुत ही अच्छा सा ये फुला फुला सा लगता है। आप इस पे चाहे तो झूमर वगैरह लगाएं, आपका झूमर कहीं नहीं जाएगा, हिलेगा भी नहीं। तो हमने इसको क्या करना है, इन बालों का इस तरह से पिन्ने लगा के फिक्स कर देना है। देखें जी इस तरह से साथ साथ बालों को आपने नीट करते रहना है। ये देखें कितने मज़े का हेयर स्टाइल बना है। अभी मैं आपको साथ ही इसका जो है जूड़ा बना कर, अगर आप चाहें यहीं तक रखना पार्टी के लिए, बाकी बालों को आप जो है वो कर्ल वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहीं तक जो है ना इसको रख सकते हैं बालों को, इस हेयर स्टाइल को। अगर आप आगे जूड़ा वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो फिर मैं जूड़ा बनाना भी बता रही हूँ, वो आप इस तरह से बना सकते हैं आराम से खुद ही। हमने क्या किया, बालों को लिया, इनको हल्का सा ट्विस्ट किया और यहाँ पर रख के हमने अंदर की तरफ पिन लगा देनी है। ये देखें जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और नई नई वीडियो आपको मिलती रहें और मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ही इस तरह की वीडियो लाती रहूं। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा ये जूड़ा बन रहा है, आप देखते रहें आखिर तक लाजमी। फिर हमने इसी तरह से जो दूसरी लेयर है उसको उठाना है और हमने इस तरह से ट्विस्ट करना है। हम उसको उसके साथ हम जो है ना, ये देखें पहले वाले बालों के साथ हम मिक्स करते हुए इन बालों को रख देंगे और इनको भी हम अंदर की तरफ से पिन लगाएंगे। ये देखें जी इस तरह से नहीं, कितना मज़े का जूड़ा बन रहा है, बहुत ज़्यादा पिनों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फिर हमारे पास ये देखें जी ये बाल हैं। अब हमने क्या करना है, इन बालों को भी हमने इसी तरह से लाना है। ये देखें और इस तरह से हमने मोड़ते हुए जो है ना बालों को इस तरह से अंदर की तरफ पिन लगानी है। ये देखें इस तरह से पिन लगानी है और इन बालों को फिक्स कर देना है। फिर हमारे पास जो लास्ट बची है, ये देखें लास्ट लेयर सी, इसको हम हल्का सा क्या करेंगे, इस तरह से ट्विस्ट सा करेंगे हल्का सा और इन बालों के ऊपर से लाते हुए, ये जो रफ रफ बाल थे उनके ऊपर से लाते हुए हमने पिनों को छुपाने के लिए हमने ये बाल यहाँ पे रखने हैं ला के।
जो हमारी पफ वगैरह वाली पिन्ने थी ना, उनको हमने छिपाते हुए जो है ना यहाँ पे ला के इस लेयर को रखना है, और फिर इस लेयर को हमने क्या करना है, पिनों से फिक्स कर देना है। ये देखें जी, इस तरह से आपने फिक्स कर देना है। और फिर ये जो बाल हमारे पास बचे हैं, इनको हमने क्या करना है, इस तरह से ट्विस्ट करना है, इस तरह से, और जो है इनका हल्का सा छोटा सा फूल बनाना है, इस तरह से, इस तरह से इसको रोल सा करना है और ऐसे पिनों के ऊपर आ देना। देखें सारी पिनें छुप गई हैं, और जूड़ा भी कितना मज़े का लगेगा, लास्ट तक लाजमी देखना आप लोगों ने। और हौसला अफजाई के लिए लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए ये वीडियो मेरी। तो ये देखें जी कितने मज़े की है, मज़े का जो है ना हेयर स्टाइल बन गया है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और ये और अच्छा सा लगेगा। ये देखें कितना मज़े का बना। इनको डेकोरेट करने के लिए जो है ना आप कोई भी फूल ले सकते हैं, बालों के लिए जो हेयर स्टाइलिंग के लिए फ्लावर्स वगैरह होते हैं, तो उनसे आप जो है ना इनको, इन बालों को जो है ना आप डेकोरेट कर सकते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए मेरे पास ये वाले फूल हैं, इनसे इनको मैं इस तरह से एक एक करके लगा दूँगी थोड़ा से फासले फासले पे। ये देखें जी इस तरह से आपने लगाते जाना। देखें कितने मज़े का ये हेयर स्टाइल लग रहा है। हमने तीन पफों को यूज़ करते हुए आराम से ये हेयर स्टाइल बना लिया है, और स्लो मैंने इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आई है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, अगर नहीं समझ आई तब भी मुझे लाजमी बताना है ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूँ। तो ये देखें जी यहाँ मैंने कर दिया है डेकोरेट जूड़ा, और कितना मज़े का लग रहा है ये सारा ओवरऑल हेयर स्टाइल। ये देखें इस हेयर स्टाइल पे आप साड़ी पहने, अगर बेशक अगर आप पार्टी के लिए, वेडिंग के लिए रेडी हो रही हैं, या फिर आप ब्राइडल को करें, सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये हेयर स्टाइल है। ये देखें जी, तो कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।